So good evening all. So आज कुछ डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं मैं और मेरे ISFS के पार्टनर आनंद पांड्या. सो वो एवरी वीक हम लोग ISFS के पेज के ऊपर से लाइव जाते हैं, बट आज सोचा कि मेरे पेज के ऊपर से लाइव जाके देखेंगे कि कितने लोगों के डाउट्स है और कितने लोग हैं ट्रेनर जो मुझे ज्वाइन है. सो मैंने आनंद को बोला कि लेट्स गो थ्रू माय पेज ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम लोग पहुंच जाए और हमारा जो ये काम चल रहा है और रिगार्डिंग सर्टिफिकेशन देन सो मेनी मिसकनसेप्ट जो चल रहे हैं अभी पर्सनल ट्रेनिंग और बहुत सारे, सो आज हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं. सो लेट हिम कम लाइव. आनंद हेलो, ब्यूटीफुल इवनिंग संग्राम. थैंक यू सो मच. थोड़ा कार चला रहा था इसलिए लेट हो गया 5 मिनट. अरे नो प्रॉब्लम. Yeah. आप टाइम निकाल के आए वही इम्पॉर्टेंट है. यस, सो टुडे फ्रेंड्स, आज अपन संग्राम च्या प्लॅटफॉर्म वरती आहोत अँड आज हमने सोचा की संग्राम के प्लॅटफॉर्म से करके एक देखेंगे. संग्राम के इसमें बहुत बढ़िया फॉलोअर्स है, तो 12 और मोर देन 11 मिलियन फॉलोअर्स, ऑलमोस्ट 12 मिलियन फॉलोअर्स इज नॉट अ स्मॉल जोक. सो सुपर्ब एंड वेरी ग्लॅड अँड ऑनर्ड टू बी हियर ऑन युअर प्लॅटफॉर्म. So I'll just tell all the guests ki this is Fitness Talks with Anand on the platform of ISFS, that is ISST School of Fitness Sciences. We are operating from Pune, but our courses, hamare courses pure India mein aap kahin se bhi kar sakte ho, distance education programs, and it's also in association with UHFF, that is United Health and Fitness Federation, the first registered federation in India for fitness industry. सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमने सिलेक्ट किया था एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स और एक बिग क्वेश्चन मार्क. तो और उसका रीजन ये था कि बहुत लोग आज फिटनेस इंडस्ट्री में जो मेंबर्स है, मोस्टली जो जिम्स है उसमें जो मेंबर्स आते हैं वर्कआउट करने के लिए, वो ना कोई ओलंपिक्स खेलने वाले है, ना वो कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने वाले है, या उनका ऑब्जेक्टिव होता है फिट रहना, उनका ऑब्जेक्टिव रहता है हेल्दी रहना. बट हम देखते हैं कि काफी बार अभी गूगल पे काफी सारा नॉलेज है जो फ्री में बांटा जा रहा है, उसमें कितना सही नॉलेज है कितना गलत नॉलेज है. तो आजकल सारे मेंबर्स डॉक्टर गूगल के पास जाते हैं और डॉक्टर गूगल को सुनते हैं. फिर उसमें काफी लोग, जैसे हमने देखा है इंडिया में कि 90% क्राउड आज भी नॉन सर्टिफाइड है फिटनेस इंडस्ट्री में, तो वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट नॉलेज हो जाता है. और उसी की वजह से हमने ये प्लेटफॉर्म ISFS शुरुआत की थी कि ऐसे संग्राम जैसे लोग और अच्छे अच्छे जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में बहुत काम किया है, बहुत रिसर्च किए है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में, उनका नॉलेज हम अक्यूमुलेट करके लोगों तक राइट नॉलेज पहुंचा सके. सो ये एक बहुत कॉमन हो गया है. संग्राम में ऐसे पढ़ रहा था कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज, एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, उनका रिसर्च ये दिखाता है कि यूएस में 0.5% एडल्ट, जो उनका एडल्ट पॉपुलेशन है उसमें से 0.5% एडल्ट आज एनाबॉलिक स्टीरॉइड यूज करते हैं. और सिर्फ उनका सिर्फ अच्छा दिखने के लिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए, अच्छा दिखना है, मतलब कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं होता है. दूसरा उनका रिसर्च ये भी है कि जो बच्चे 8वीं और 10वीं ग्रेड में पढ़ रहे हैं, 500,000 बच्चे एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का यूज करते हैं, जस्ट कि गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर सके, अच्छी बॉडी हो, अच्छे दिखे, और फास्ट, बेसिकली सबको फास्ट चाहिए, इंस्टेंट फास्ट फूड की तरह. तो ये सारी चीजें हो रही है और ये नीडा का रिसर्च है.
यूएस का, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम नेट पे देख सकते हैं। तो संग्राम, आपसे जानना चाहेंगे कि हम कैसे इसे रोके कि ये गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, कि सब अननेसेसरी, जिन लोगों को जरूरत नहीं है उनको ये, इसको बेसिकली अब्यूज करते हो। तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? एक्चुअली मैं एक एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटर बॉडी बिल्डर्स और कॉम्पिटिटर एथलीट्स। मैं सबको प्रॉब्लम हो जाएगा कि संग्राम सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी झूठ बोला नहीं है। कुछ बातें ऐसे मैं ओपनली बोल नहीं सकता, बट एवरीबडी नोज जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, जो फिटनेस प्रोफेशनल्स हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स हैं, सो दिस इज नॉट फॉर देम। हम लोग आज बात कर रहे हैं कि जो ट्रेनर्स है वो जो कॉम्पिटिशन नहीं कर रहे हैं, और जो मेंबर्स है उनको भी कॉम्पिटिशन नहीं करना, तो ये हमारा मेन टॉपिक है। तो लेट देम क्लियर कि दिस इज आवर टॉपिक। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि जो कॉम्पिटिशन करे उनके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, एक्चुअली दिस करेक्ट, गोज फॉर देम ऑल्सो, बट दैट इज देयर चॉइस। ओके, क्योंकि अगर आप, यस, एक सिंपल बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बीच में क्वेश्चन आएगा तो मैं बोल दूंगा इसकी नीड है कि नहीं है, तो दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन। सिंपल बात क्या है कि हम लोग आज बात क्यों कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं और बहुत सारे लोग ऑफलाइन भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, कुछ लोग यस, घर में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जितना वर्कआउट आप जिम में करते हो ना, उतना वर्कआउट आपका घर में होता नहीं है, राइट, मेन थिंग। तो दूसरी बात क्या है कि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स है या फिर फिटनेस एथलीट्स है वो पीटी ले रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वो दिखता है, उनका बॉडी अच्छा है इसलिए उनके ऊपर लोग बिलीव करते हैं। सही भी बात है, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका बॉडी नहीं बनता है, एक कॉमन फंडा है। इट्स लाइक सम रूल, यस, विदाउट वर्कआउट और विदाउट हार्ड वर्क यू कैन डेवलप योर मसल्स। बट इसमें और एक फैक्टर क्या आता है कि आप डाइट क्या करते हो और बाकी चीजें क्या यूज करते हो। तो ये जो मेंबर्स है ना, उनको रिजल्ट चाहिए और ट्रेनर्स को उनको रिजल्ट देना है, क्योंकि उनको रिन्यूअल करना है। तो एक कंसेप्ट पहले यस, निकलना चाहिए, क्योंकि रिन्यूअल करना है इसलिए उनको रिजल्ट देना है। एक कंसेप्ट निकलना चाहिए, क्या होना चाहिए कि उनको आपको ट्रेनिंग देना है, आपका ट्रेनिंग उनको अच्छा लगता है इसलिए उनको नेक्स्ट लेवल जाने के लिए उनको रिन्यू करना है आपके साथ, नॉट फॉर द लिमिटेड पीरियड। सो इन कंडीशन में क्या हो रहा है कि मैक्सिमम ट्रेनर क्या कर रहे हैं, एक तो मेंबर्स को कुछ ज्यादा मालूम रहता नहीं है, उनके पास पैसा रहता है, दे कैन पे। सो वो उनको क्या बोलते हैं कि अबाउट स्टेरॉइड्स, मे बी अबाउट मेडिसिन। हम लोग अगर ये मेडिसिन यूज करेंगे या फिर ये कार्बन यूज करेंगे एनाबोलिक, तो हम लोग आपका बॉडी जल्दी बना सकते हैं। तो मेंबर के पास क्या ऑप्शन रहता है, एक तो डीप बिलीव करते हैं ट्रेनर के ऊपर अपने, और यस, ट्रेनर उनको जो भी गाइड करेगा ना, अगर उनको ट्रेनर बोलेगा कि ये 4,000 का सप्लीमेंट अच्छा है लेकिन 8,000 का खराब है, तो मेंबर वो 4,000 का सप्लीमेंट लेगा, क्योंकि उतना ट्रस्ट करता है उसके ऊपर। सो एक कंडीशन क्या है कि मैं बोलना चाहूंगा जितने ट्रेनर्स हैं उनको कि मेंबर्स को मिसगाइड मत करो। अगर किसी मेंबर को मालूम है कि व्हाट इज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, दे नो देयर रिजल्ट एंड मतलब इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट, तो उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो कि सर एक्चुअली मैं अलाउड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि आपकी जरूरत नहीं है, आपको अगर कॉम्पिटिशन करना है तो यू कैन गो फॉर दैट, वो भी आपका चॉइस है। बट अगर आपको सिर्फ फैट बर्न करना है, आपको बॉडी लीन करनी है, आपको वेट लॉस करना है, अगर उसके लिए आप ये लेना चाहते हो तो इट्स नॉट गुड। सो ये जो है ना, ये क्लियर होना चाहिए ट्रेनर की तरफ से। तो अभी क्या हो रहा है कि ट्रेनर ही उनको बोल रहा है कि ऐसा करना पड़ेगा। सो मेरा रिक्वेस्ट है ट्रेनर को कि प्लीज डोंट डू दिस, क्योंकि आप एक तो डॉक्टर नहीं हो और जो चीजें आपने यूज की है, तो ऐसा नहीं है कि वो चीजें आप दूसरे को देखिए उनका भी उतना बॉडी बना सकते हो। हर एक का बॉडी अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप फिटनेस ट्रेनर हो, आपको आपके मेंबर्स को फिट करना है, यस, ठीक है, उनको अनफिट नहीं करना है, उनको अनहेल्दी नहीं करना है, उनको बाहर से अच्छे दिखेंगे लेकिन अंदर से उनमें स्ट्रेंथ नहीं है, मे बी दे आर सफरिंग सो मच ऑफ पेन, ये सब चीजें चीजें जो है ये उनका टारगेट नहीं है। और जस्ट फॉर वन पार्ट कि लुक्स अच्छे करने के लिए अगर आप उनको बोल रहे हो कि आप ये ले लो आप वो ले लो, तो दिस इज रॉन्ग। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप मेडिसिन मत लो, आप रॉइड्स मत लो, इट्स योर चॉइस, आपका रिस्क है, और जब तक आप पकड़े नहीं जाएंगे तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बट आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको तो उसका मालूम है कि आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है, आपको लॉस कितना हो रहा है, देन आपको उसका बेनिफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। बट सेम चीजें आप मेंबर्स के ऊपर इंप्लीमेंट मत करो। ट्रेनर्स क्या कर रहे हैं कि मेंबर्स को एज अ गिनी पिग यूज कर रहे हैं,
एक्चुअली एक प्रोसेस रहता है कि आपको ब्लड रिपोर्ट निकालने पड़ेंगे, देन आपको चेक करना पड़ेगा कि उनकी बॉडी में अभी की कंडीशन क्या है. बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं. तो आपके बॉडी की कंडीशन अलग रहती है अंदर से, क्योंकि रॉयड्स बाहर से काम नहीं करते, अंदर से काम करते है ना. अगर आप बीमार भी पड़ते हो ना तो आपको डॉक्टर स्टेरॉइड देते हैं. क्यों? क्योंकि आप में कुछ कम है आपको डेवलप करने के लिए, या फिर आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए. मे बी सो मेनी अदर रीजंस, बट एक फिट आदमी को जस्ट फॉर वन थिंग कि आप अच्छे दिखोगे, आपको उसको मिसगाइड नहीं करना चाहिए. सो ये मेरा क्लियर इंटेंशन के बाजू में है, क्योंकि मैं एवज और ट्रेनर, अभी भी मैं ट्रेनर हूं. मेरे पास अभी भी बहुत सारे एथलीट्स भी आते हैं, लेकिन मैं किसी को ट्रेन करता नहीं हूं, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव है. दूसरी बात क्या है कि एक बार आप कॉम्पिटेटिव लेवल में जाते हो ना, तो आपका इन्वॉल्वमेंट इतना रहता है उसमें कि कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे बॉडी अच्छी बनाना है. सो दैट कंडीशन आप क्या करते हो कि आपका प्रायोरिटी क्या है कि आपकी लाइफ, आपकी प्रायोरिटी आप छोड़ देते हो और आप सिर्फ मसल के पीछे भागते हो कि मसल अच्छे दिखेंगे, लोग देखेंगे, लोग अच्छा फॉलो करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे. लेकिन आप हर चीज लोगों के लिए नहीं कर सकते हो ना. कुछ चीज ऐसी चीज जो अपने अपने लिए करनी चाहिए. तो डॉक्टर के बाद ट्रेनर, फिटनेस इंडस्ट्री के ट्रेनर्स आते हैं जिनके ऊपर लोग बिलीव करते हैं कि मुझे बॉडी बनाना है, तो ये मेरे सर है, मेरे कोच है, ये मेरी बॉडी बना सकते हैं. तो वो जो बोलेंगे मैं करूंगा. तो ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना. अभी मैं 2015 में मैंने लास्ट कॉम्पिटिशन लिया, उसके बाद मैंने कुछ अनाउंसमेंट इधर यूज की नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है. हर एक की बॉडी की लिमिट है. नीड, अगर आपकी नीड नहीं है और आप वो चीज ले रहे हो, तो 101% आपको कुछ ना कुछ उसके आगे देना ही पड़ेगा. सो विदाउट लाइक कुछ देने से, विदाउट गिविंग समथिंग यू कांट गेट एनीथिंग. तो कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा. ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा खो जाए ताकि आपकी लाइफ तक चले जाए. तो यही ना होगा कि ये टॉपिक आपका जो ये पॉइंट है संग्राम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले तो आपके मेंबर को अगर खुद वो पूछ भी रहा है कि मुझे एक्सरसाइज लेना है, तो उसको एजुकेट करो. डिसीजन उसका है, डिसीजन उसका है, लेना ना लेना, क्या करना, वो उसका डिसीजन है. बट उसको एजुकेट, राइट एजुकेशन कि उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, और फिर उसकी मर्जी है. वो इलीगल है, लीगल है, वो उसकी मर्जी है. उसको कैसे भाई, आज जो सिगरेट पीता है वो सिगरेट के ऊपर दिखाया है कि उसको कैंसर होगा और ऐसे है, फिर भी इंसान सिगरेट तो पी रहा है. तो एजुकेट करना, करेक्ट. बहुत बढ़िया पॉइंट बताया. सिंपल बात क्या है कि आप जब किसी हॉस्पिटल में जाते हो, आपको ऑपरेशन करना है या फिर आपका फ्रैक्चर हो गया है या फिर आपको जॉइंट्स पेन है या फिर यानी आपको कुछ आपके टेंडन मसल ब्रेक हुआ है, सो वहां पे डॉक्टर भी आपको पूछते हैं कि सर यहाँ पे ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है. विदाउट ऑपरेशन भी आप ठीक हो सकते हो. थोड़ा सा आपके मसल में डिफेक्ट दिखेगा बट आपकी फंक्शनल एक्टिविटीज जैसे कि वैसी हो जाएंगी. सो अगर आपको लुक्स नहीं दिखने हैं, अगर आपका मसल, एक मसल इम्बेलेंस दिखेगा आपका, वो आपको चलता है, तो डोंट गो फॉर ऑपरेशन. ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि स्टेज के ऊपर जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा पैर का अडेप्टर मैग्नस मेरा टूटा था, तो उस टाइम पे मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर कैन आई डू माई फंक्शनल एक्टिविटीज रेगुलरली और मैं बॉडी बिल्डिंग कर सकता हूँ. तो डॉक्टर साहब मुझे क्या बोले कि संग्राम देखिए, आपका ये मसल टूटा है वो लाखों में एक रहता है, इसका सर्जरी एक तो बहुत ज्यादा लोग करते नहीं है. तो क्या है कि आप ये सर्जरी नहीं करेंगे तो भी आपका मसल रिकवर हो जाएगा, बस थोड़ा सा डिफेक्ट दिखेगा आपके मसल में. एक मसल एक जगह पे छोटा दिखेगा, एक बड़ा दिखेगा, या फिर जहां पे आपको इंजरी हो गई है वहां पे वो दिखेगा आपको स्टेज के ऊपर, क्योंकि आप डिस्प्ले करते हो बॉडी. बाकी कुछ भी चेंज होने वाला ही नहीं. आपके सारे के सारे वर्कआउट, स्ट्रेंथ जो एक्टिविटीज है, सारे के सारे वैसे के वैसे कर सकते हो एंड यू कैन डू योर बॉडी बिल्डिंग. अगर आप चाहते हो तो हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है. सो डॉक्टर्स अगर आपको बता सकते हैं, आप इंजरी होके भी, यू आर टू ऑप्शंस. एक है विदाउट ऑपरेशन, थोड़ा सा रेस्ट लेके आप आगे चले जाओ, या फिर आपको इमीडिएट करना है तो आप ऑपरेशन कर लो. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी आर सेकंड डॉक्टर्स. ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर इज अ सेकंड डॉक्टर, क्योंकि उसके साथ आप कुछ भी चीज छुपा नहीं सकते हो. क्योंकि अगर आपको पेन हो रहा है और आपको ट्रेनर को बताएंगे नहीं, तो आप बाकी की चीजें मतलब खुद एक्स्ट्रा इंजुरी बनाएंगे, इसलिए आपको सब चीजें बतानी पड़ती है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेनर लोग ही डॉक्टर बन रहे हैं,
और डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि आजकल जो कोविड कोविड का चल रहा है उसकी जगह कि आप पॉजिटिव हो, मतलब अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको ये चीजें यूज करनी ही पड़ेगी। तो ये नहीं होना चाहिए, एकदम करेक्ट। एंड फॉर आर मेंबर्स ऑल्सो, अभी जो भी ये शो देख रहा है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, संग्राम बता रहे हैं व्हाट इज द राइट वे और क्या दिशा है, ये ट्रेनर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो वर्कआउट करते हैं जो मेंबर्स है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडेड हम वेरी स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि ये बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है या ये जो एथलीट्स है उनके लिए नहीं है, दिस इज अबाउट कॉमन मैन जिसका इंटेंशन है हेल्दी रहना, फिट रहना, पेट कम करना, वी आर टॉकिंग अबाउट देम। एंड इसके लिए अगर आपको फिर भी ये अगर यू सिलेक्ट कि आपको ट्रेनर के साथ या यू सिलेक्ट दैट आपको स्टीरॉइड्स लेना है, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि इसके जो डॉक्टर है दे आर कॉल्ड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, तो आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को जाके मिलिए और उनसे बात कीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए, तो आप एक करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे। परफेक्ट संग्राम, बहुत आई थिंक हमने एक बहुत बड़ा इशू आज रेज किया है और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेंबर्स इसमें से गुजर चुके हैं, बहुत सारे ट्रेनर भी इसमें से गुजर चुके हैं। मैंने कितने सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे ट्रेनर ने मेंबर को ये सजेस्ट किया विदाउट प्रॉपर एजुकेशन और फिर मेंबर को इफेक्ट्स होने के बाद मेंबर ने उसके ऊपर लीगल केस किया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। तो ये जनरली सबको पता नहीं होता, इसलिए मैं शेयर करना चाहूंगा कि इसमें बहुत लीगल कॉम्प्लिकेशंस, आप किसी की लाइफ बर्बाद कर देते हो, तो प्लीज आप प्रॉपर एजुकेशन के साथ उनको चॉइस दीजिए और फिर उनको डिसीजन ले लीजिए और इस चीज का डेफिनेटली ध्यान रखिए अभी और आगे के करियर में भी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट संग्राम, आई थिंक ये एक शॉर्ट है, शॉर्ट हुआ बट एक बहुत जबरदस्त सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड पॉइंट आज क्लियर किया। बहुत सारे जिम्स में जितने मुझे क्यों क्लियर करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मुझे अभी थाउजेंड ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे कि सर भी आपने बॉडी बिल्डिंग कैसे किया, सर आपने कुछ यूज किया है कि नहीं है, फिर सर आप यूज करते हो कि नहीं है, तो मुझे क्लियर करना पड़ा। क्योंकि यार मैं गलत नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को मालूम है कि यार मैं बॉडी बिल्डर और मैं वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ, मिस्टर इंडिया बन चुका हूँ, तो एक ही सेंटेंस आपको बताऊंगा, बाकी सब पूछने की जरूरत नहीं है और बताने की जरूरत नहीं है। सी इफ यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन फॉर्मूला वन देन यू हैव टू हैव Lamborghini or Ferrari. Correct. With any other car, like with Maruti 800, you can't compete in that Formula 1 competition. Very true. So it's simple. अगर आपको Formula 1 लड़ना है, वहाँ पे आप Maruti 800 जाके खड़े रहोगे ना, तो आप on the spot बाकी जगह पे देख के आपको पता चलेगा कि you are not qualified. Yes, correct. पहली बात तो आप उस line में ही खड़े नहीं हो सकते हो, without Ferrari. Correct. So जितने भी question मुझे आएंगे यहाँ पे, तो उनके लिए भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा उनको कि मैं क्या करना चाहता हूँ। राइट, तो बोलता है जगह पे क्या होता है ना कि मैं बोलता हूँ कि एक अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन होता है, आपको खाना है, तो सब सेशन होने के बाद मुझे लोग पूछते हैं कि सर अगर मैं 8 अंडे, मैं 5 अंडे खाऊंगा तो मुझे कितना प्रोटीन मिलेगा। सिंपल बात है कि एक अंडे का बता रहा हूं मैं, तो एटलीस्ट यू हैव दैट मच कैलकुलेशन यू कैन डू दैट, अगर आपको एक मील में अगर आपको 25 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आप कितने अंडे खाने आपको। नहीं तो लोग जाके पूछते हैं कि सर एक अंडे में आपने बताया 7 ग्राम, तो मुझे 30 ग्राम सर मुझे प्रोटीन चाहिए, तो मैं कितने अंडे खाऊं। सर पे ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, इससे मैंने ये क्लियर किया कि यार अगर आपको फॉर्मूला वन लड़ना है तो आपको फेरारी होना चाहिए, मतलब साफ है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ओपनली बोल भी नहीं सकता और मैं छुपा भी नहीं सकता। करेक्ट करेक्ट, बट क्योंकि मेरा मतलब एक वही काम है। उन्होंने एक प्रॉपर, संग्राम ने आज एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर पाथ आपको बताया है, सो इस चीज को प्लीज इंप्लीमेंट कीजिए और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। संग्राम क्या होता है, जब 12 मिलियन फॉलोअर्स हो सिर्फ एक ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ऐसे लोग डेफिनेटली मिलेंगे कि 5 अंडे में कितना प्रोटीन मिलता है। तो ऐसे डेफिनेटली थोड़े बहुत तो लोग रहेंगे, बट आई थिंक हमने बहुत सारे बड़े नंबर के लोगों को आज समझ में आ गया होगा कि ऐसा ना किया जाए और मेंबर्स को भी समझ में आ जाएगा कि अगर आपका ट्रेनर आपको सजेस्ट कर रहा है तो आपको पहले एक एंड्रोक्रेनोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए,
और उनसे ये समझना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए। और पूरा नॉलेज सिर्फ डॉक्टर गूगल के पास मत जाओ, एक रियल डॉक्टर के पास जाओ और पर्सनल कंसल्टेशन लो और फिर डिसाइड करो। एंड डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू जो चल रहा है आज मार्केट में और इंडिया में और अब्रॉड में भी, ये सब आज एड्रेस हुआ है। आई होप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि वो राइट डिसीजन ले सके। सो सिंपल बात क्या है आनंद, आई कि थिंक ट्रेनर ने और मेंबर ने, मैंने जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि एक फर्स्ट सेशन जो आपका होना चाहिए ना, वो दैट इज फॉर योर गोल। कि आपका गोल क्या है, आप पीटी लगा रहे हो या फिर आप जिम लगा रहे हो, तो आपका गोल क्या होना चाहिए। सो अगर उनका गोल है कॉम्पिटिशन करना, देन आप उनको ऑप्शन बोल सकते हो कि दिस इज द ऑप्शन, यस ठीक है, और ये देन इट शुड बी योर चॉइस। बट इफ यू वॉन्ट, आपको बॉडी बनानी है कि आपको जीतना है, आपको स्टेज पे जाना है कि आपको विन करना है, देर आर सो मेनी थिंग्स। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि सर मुझे एक बार सिर्फ स्टेज पे जाना है, जीतना हारना मैं मैटर नहीं करता नहीं मेरे लिए। सो डोंट गिव देम, नो, उनको देने की जरूरत नहीं कुछ चीजें, उनको सिर्फ विन बनाओ, उतना तो आप उनको क्वालिफाई कर सकते हो कि दे कैन स्टेप अप ऑन द स्टेज। और आप ये भी नहीं बोल सकते हो ना कि आप मेरे साथ कर रहे हो, मैं आपको इतना सारा दूंगा, आप जीत ही जाओगे। नो, आपका काम है उनको ट्रेन करना, एथलीट का काम है, मेंबर का काम है वहां पे जाके कॉम्पीट करना, जजेस का काम है जीतना जिताना और मतलब रिजल्ट देना, ठीक है। तो ये चीजें मैटर करती है कि आपको पहले डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या करना है, और उनको दोनों बाजू बताना चाहिए आपको, इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट भी। तो आप फिट होने के लिए मेरे पास, लेकिन मे भी आप अनफिट हो सकते हो, दिखेंगे फिट लेकिन मे भी आप अनफिट हो सकते हो, चॉइस ही। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ट्रेनर ही चॉइस दे रहे हैं ओनर्स को, मेंबर्स को, कि सर विदाउट दिस यू कांट डिलीवर मसल्स, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, दैट्स द थिंग, यस। एंड आई थिंक इसीलिए संग्राम हमारा जो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है एजुकेशन का, फिटनेस एजुकेशन का, हमारे करिकुलम ने हमने एक स्पेसिफिकली एक मॉड्यूल और एक चैप्टर इसके ऊपर रखा हुआ है ताकि ट्रेनर्स को प्रॉपर नॉलेज दिया जाए। और ये जो अनएजुकेटेड ट्रेनर्स है वो अगर ये सर्टिफिकेशंस करे तो ये काफी चीजें जो अपडेटेड नॉलेज है आज का अभी का रिसर्च किया हुआ ये इनको मिलेगा, जहाँ पे वो ट्रेनर को जब पूरा एजुकेशन होगा तब वो ठीक से पास ऑन कर पाएंगे। आज ट्रेनर को आधा एजुकेशन है इसलिए फिर वो ट्रेनर सोचता है कि भाई चलो ये एक अच्छी बात हो गई, इससे फटाफट बॉडी बन जाता है। तो ये भी हमने एक चैप्टर कवर किया हुआ है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और हमारे करिकुलम में। तो डेफिनेटली जो भी स्टूडेंट्स हमारा क्लासरूम प्रोग्राम या डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम करेंगे दे विल गेट टू लर्न अबाउट इट, ताकि वो ठीक से अपने मेंबर्स को गाइड कर सके और करेक्ट गाइडेंस दे सके। आई थिंक आप रोड पे हो और लोग आपको देख के रुक के आपको सराउंड करने लगेंगे। वही वही हो रहा है, आपको दिक्कत हो रहा है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा एंड आई अंडरस्टैंड, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एंड आई थिंक हमारा टॉपिक आज का बहुत अच्छा था और उसका पास ऑन हो गया हमारे ट्रेनर्स और मेंबर्स के लिए। इट इज जस्ट फॉर बेटरमेंट एंड गुड नॉलेज ऑफ ट्रेनर्स एंड आर मेंबर्स जो जिम में आते हैं, वर्कआउट करते हैं। और हम लोग किसी को भी फोर्स नहीं कर रहे, हम लोग किसी के ऊपर कुछ रूल्स नहीं लगा रहे कि संग्राम सर ने बोला इसलिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर बहुत सारे लोग गाली भी देंगे इधर। तो इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसको अच्छा लगेगा अच्छा बोलेगा, जिसको खराब लगेगा खराब बोलेगा। तो हर एक को अपना अपना काम करना है। जैसे मैंने बोला कि हर ने अगर हर किसी ने अपने अपने फैकल्टी में अपना स्ट्रेंथ बढ़ाया, सो वी कैन मेक अ गुड टीम और वी कैन डेवलप द फिटनेस इंडस्ट्री। हम लोग अच्छे के लिए कर रहे हैं गाइस, सो जिनको अच्छा लगता है यू आर वेलकम, जिनको बुरा लगता है आप भी वेलकम हो। यस यस, थैंक यू वंस अगेन संग्राम, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स, एंड लेट्स वी विल कंक्लूड टुडेस सेशन। सो एज संग्राम राइटली सेड, इट वाज विद अ वेरी पॉजिटिव नोट हमने आज का ये प्रोग्राम किया हुआ है ताकि लोगों को राइट डिसीजन वो लेने में मदद कर सके। डिसीजन क्या लेना वो उनकी मर्जी है, बट गाइडेंस और राइट पाथ क्या होना चाहिए, डॉक्टर को मिलकर बात करो, उनसे समझो, पूरा एजुकेशन लो, फिर डिसाइड करो, यही हमारा पाथ था। डिसीजन हम नहीं दे रहे। एंड वंस अगेन, सो अभी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे 5 PM विद संग्राम चौगुले, वंस अगेन विद अ न्यू टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक।
यू कैन रीड इट। अच्छा एक्चुअली उल्टा दिख रहा है। सराउंड योरसेल्फ विद ओके सराउंड योरसेल्फ विद दोज। Now you can read. Okay, surround yourself with those on the same mission as you. Absolutely right. I always love your t-shirts. Definitely. So yeah, so this is the thing. We are together. Aaj ka message. After a long time. All right, guys. Thank you once again. And thank you. See you next Friday. Yes, next Friday. और जिसको भी ISFS के details चाहिए वो www.theisfs.com पे जा सकते हैं और हमारे website पे details ले सकते हैं. That is ISST School of Fitness Sciences. And let's see you on next Friday 5 PM. Thank you once again, Sangram, and have a wonderful evening. Bye. Take care. Bye bye.